नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे सब दोस्तों, आई होप सब ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन आइडल सीजन 14 के जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं वो हर कोई अपनी परफॉर्मेंस एक से एक बढ़िया दे रहा है और हर कोई चाहता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस किसी से बेहतर दूँ। तो दोस्तों वहीं मैं बात करूँ अगर शुभदीप दास की, तो शुभदीप दास की आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी और इतनी ज़्यादा सुरीली है दोस्तों, जो कोई भी इनकी आवाज़ को सुनता है वो कोई हर कोई जो वो हैरान के हैरान रह जाते हैं। और दोस्तों ऑडियंस और जजेस के जो वो शुभदीप दास रोंगटे खड़े कर देते हैं। वहीं मैं बात करूँ मेनका पोर्टल की, तो मेनका पोर्टल की आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी और इतनी ज़्यादा सुरीली है दोस्तों की इन्होंने अपनी आवाज़ से जो लाखों लोगों के दिलों पर जगह बना ली है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है मेनका पोर्टल, हर कोई ये कह रहा है कि इंडियन आइडल सीजन 14 का बिना मेनका पोर्टल ही रहने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडियन आइडल सीजन 14 में शुभदीप दास और मेनका पोर्टल की छोटी सी प्यारी सी ड्यूट परफॉर्मेंस होनी चाहिए या नहीं? तो और दोस्तों आपका क्या है कहना कि इस बार इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर कौन रहेगा, शुभदीप दास या मेनका पोर्टल? जो भी हो आपकी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, घंटे नहीं दबाई तो दबा दीजिएगा ताकि अब तक मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।